और आपकी रेखा आज पनीर अंगारा बनाने जा रही है, वो भी पूरे रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने ये 200 ग्राम पनीर लिया है, मैंने ये क्यूब्स में काट लिया है। आप इनके छोटे टुकड़े भी कर सकते हो, बड़े भी कर सकते हो। मैंने ये दो मीडियम साइज की प्याज ली है, ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए। ये मैंने दो टमाटर लिए, ये भी छोटे पीसेस में कट कर लिए। एक मैंने ग्रीन चिली ली है, ये भी कट कर लिए। और थोड़े से मैंने काजू लिए हैं। मैंने एक मिक्सी जार ले लिया है, अब मैं प्याज को मिक्सी जार में डाल दूंगी और इसको ग्राइंड कर लूंगी। प्याज को मैंने ग्राइंड कर लिया है, तो अब मैं एक बाउल में निकाल लूंगी। अब मैं मिक्सी जार में टमाटर और मिर्ची और काजू डाल दूंगी और इसे भी ग्राइंड कर लूंगी। हमें टमाटर और प्याज को अलग अलग ही ग्राइंड करना है। मैंने अभी इसे भी ग्राइंड कर लिया है, तो मैं इसे भी एक बाउल में निकाल लूंगी। अब मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं दो बड़े चम्मच देसी घी डालूंगी। आप घी की जगह तेल में भी बना सकते हो, पर घी में बनाने से टेस्ट बढ़ जाता है। घी हमारा गर्म हो गया है, तो मैं इसमें अब एक पिंच हींग डालूंगी और मैं एक पिंच जीरा डालूंगी। अब मैं इसमें प्याज की ग्रेवी डालूंगी। अब इसे हम थोड़ा सा सोटे कर लेंगे। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें अपनी टमाटर की ग्रेवी डाल देंगे और इसे भी हम भून लेंगे। इसलिए हमें टमाटर और प्याज को अलग अलग ग्राइंड करना होता है, ताकि हमारी प्याज अच्छे से भून सके। अब मैंने थोड़े से मसाले ले लिए हैं। मैंने आधा छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है, एक छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है, एक छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है, एक छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है, एक छोटा चम्मच मैंने नमक लिया है और थोड़ी सी मैंने दही ले ली है। इससे भी हमारी सब्जी का टेस्ट बढ़ जाता है। अभी हम सारे मसाले एक एक करके अपनी ग्रेवी में डाल देंगे। अब हम मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें दही नहीं डाली है। अब हम इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे और इसे हम 5 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं हमारी ग्रेवी को पकते पकते, और इसने तेल भी छोड़ दिया है। तो अब मैं इसमें दही डाल दूंगी। ये मैंने फैट लिया है, अब इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ग्रेवी हमारी ठीक हो गई है, तो अब मैं इसमें अपने पनीर के टुकड़े डाल दूंगी। और मैंने ये एक टुकड़ा बचा लिया है, हम ये एक टुकड़ा क्रश करके डालेंगे। इससे हमारी ग्रेवी में अच्छा टेक्सचर आता है। इसे हम 2 मिनट तक और पकाएंगे। तब तक हमने एक कोयला ले लिया है और इसको हम गर्म करते हैं। अब एक चिमटे की सहायता से हम इस कोयले को गर्म करेंगे। हम इसे चारों तरफ से सेक लेंगे जब तक ये लाल नहीं हो जाता। सब्जी हमारी बन गई है। हमें पनीर को ज्यादा नहीं पकाना, नहीं तो ये टाइट हो जाते हैं। अब इसके बीच जगह करके हम बीचों बीच एक कटोरी रख लेंगे। अब मैंने फ्लेम को बंद किया हुआ है। कोयला हमारा लाल हो गया है, तो अब मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी और एक चिमटे की मदद से इसे मैं कटोरी में रख दूंगी। अब हम इस पे डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और इस पे हम 1 पिंच हींग भी डाल देंगे और हम ढक्कन लगाकर इसे 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इस कटोरी को इसमें से निकाल लेंगे। सब्जी हमारी तैयार है, तो इसे मैं अब डिश आउट कर लूंगी। खूबसूरत पनीर अंगारा बनकर हमारा तैयार है।
वाओ बहुत ही स्मोकी और बहुत ही स्वादिष्ट फ्लेवर इसमें आ रहा है, लग रही है ना बिल्कुल बाजार जैसी पनीर अंगारा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बाजू में बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियो मिलते रहें और मैं फिर हाजिर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।